exercise 15.3. Second question. First part we have done. Yes, ma'am. पेरीमीटर ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर वाला कर लिया था, सेकंड होमवर्क दिया था, कर लिया। इज इट अ लीनियर ग्राफ? व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर ग्राफ? लीनियर ग्राफ मींस स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन आती है इसका मतलब दैट ग्राफ इज अ लीनियर ग्राफ, अदरवाइज इट इज नॉट अ लीनियर ग्राफ। फाइन। नाउ अगर आपके पास इस तरह से ग्राफ है, इज इट अ लीनियर ग्राफ? नो। इज इट अ लाइन ग्राफ? यस। इज इट अ लाइन ग्राफ? नो। यस। लाइंस तो बन रही है ना, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन। लाइन ग्राफ कैसे बनता है? कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करके, कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करके, जैसे 2, 4, x का 2, y का 4, ये बन गया x का 3, y का 8। ये पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं और उन पॉइंट्स को जब ज्वाइन करते हैं, व्हाट वी गेट अ लाइन ग्राफ। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ लाइन ग्राफ एंड अ लीनियर ग्राफ। लीनियर ग्राफ मींस स्ट्रेट लाइन। इफ ऑन अ ग्राफ यू गेट अ स्ट्रेट लाइन, देन इट मींस दैट इज अ लीनियर ग्राफ। अब लिखो वर्टिकल लीनियर ग्राफ, लिखो लीनियर ग्राफ। If we get a straight line of, if we get a straight line in a graph, if we get a decimal zero, if we get a straight line on a graph, on a line, बेटा line graph ही बनता है। Straight line जब बनेगी वो line graph पे बनेगी, bar graph Instagram पे तो नहीं बनेगी ना। ये line लिखवा रही हूँ ताकि आपको याद रहे। If we get a straight line, या ऐसे लिखो, ये कट कर, ये कट कर। If all the points of the graph lie on a single line, if all the points of the graph lie on a single line. And we get a straight line if all the points on the graph are on a single line. Are on a single line. And we get a straight line. And we get a straight line after joining them. And get a straight line on joining them. Then the graph is a linear graph. वही हो गया। कहते हैं अगर आपके पास सीधी लाइन आती है, ऐसे आए, ऐसे आए, चाहे ऐसे आए, अनब्रोकन मतलब ऐसे नहीं कि यहाँ से ब्रेकों के नीचे फिर यहाँ से ब्रेकों के ऊपर। अनब्रोकन लाइन जो होती है वो क्या होता है? लीनियर ग्राफ। अदरवाइज वो लीनियर ग्राफ नहीं। सीधी सी बात है, सीधी लाइन आ गई तो लीनियर, नहीं तो लीनियर नहीं, नॉर्मल। समझ आ गई? लेकिन इसका मतलब ये लीनियर है और ये लाइन भी है, ये लाइन है लेकिन लीनियर नहीं, सीधी सिंपल है। आगे बात समझ में, ठीक है? इसके बाद आ जाओ बेटा, एग्जाम्पल नंबर 6, पेज नंबर 243, पेज नंबर 243, एग्जाम्पल नंबर 6 में आपको टेबल गिवन है, टेबल गिवन है। ये आपका होमवर्क है, ये सिंपल है। इसका देखो इधर एक बार समझ लो, इसमें आप क्या लोगे? एक साइड पे नंबर ऑफ लीटर, एक साइड पे कॉस्ट। सपोज मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ लीटर ले लिया, यहाँ पर ले लिया कॉस्ट। प्लीज अंडरस्टैंड, नंबर ऑफ लीटर में क्या है? 10, 15, 20, 25। सो यू कैन स्टार्ट ईदर फ्रॉम 10 और फ्रॉम 5। 10, 15, 20 एंड 25।
from 10 तो आप think लगाओगे क्योंकि यहाँ 10 का difference है बाकी में 5 लेकिन अगर 5 से शुरू करते हो 5 10 15 तो किंक नहीं लगाओगे समझ आ गई और दूसरी साइड तुम्हारा क्या है 500 सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 500 750 1000 1250 ऐसी लोगे स्केल सब में 250 का डिफरेंस है यहाँ 500 का तो क्या लगाओगे आगे समझ ले सकते हो बेटा कॉस्ट नीचे नंबर ऑफ लीटर्स ऊपर ऐसे भी ले सकते ये बात सबको समझ में आ गई सीधे पॉइंट्स प्लॉट करोगे एंड यू विल मेक द राइट आगे आ जाओ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल नंबर 7 Now let us read. A bank gives 10% simple interest on deposit by senior citizens. Draw a graph to illustrate the relation between the sum deposited and simple interest earned. फिर लिखते हैं find from your graph की बात है जो points parts हैं. सबसे पहले यहाँ हमें इस question से ये clear हो रहा है कि हमने graph किसने बनाना है. बिटवीन द सम एंड द सिंपल इंटरेस्ट सम मतलब यू हैव डन दिस फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट इज पी इंटू आर इंटू टी ओवर 100 ये क्या हुआ आपने जो ग्राफ बनाना है वो किसने बनाना है सिंपल इंटरेस्ट एस टू एन सम का मतलब होता है बेटे वॉट एवर सम यू आर डिपॉजिटिंग इन द बैंक इट इज द प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल जो डिपॉजिट करवाते हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पड़ता है वो टोटल अमाउंट होती है समझ आ गई एसयूएम सम का मतलब प्रिंसिपल जो बेसिक मनी स्टार्टिंग मनी आपने डिपॉजिट करवाई है इज इट क्लियर अब इसमें आपको गिवन क्या है बच्चे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 10% इधर देखो बोर्ड पे लिखना नहीं है कुछ भी समझो पहले सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल हमें नहीं पता प्रिंसिपल रेट इज 10 और टाइम आपके जो पार्ट्स हैं आगे उसमें देखो फाइंड द फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द एनुअल इंटरेस्ट ऑब्टेनेबल फॉर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 250 द इन्वेस्टमेंट वन हैज टू मेक टू गेट एन एनुअल सिंपल इंटरेस्ट एनुअल मींस वन ईयर तो पूरा क्वेश्चन रीड करना है स्टार्टिंग लाइन में टाइम नहीं दिया लेकिन आगे पार्ट्स में गिवन है कि ये जो हम बात कर रहे हैं जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है इट इज एनुअल एक साल का तो टाइम कितना है वन ईयर जीरो से जीरो गया ये बचा 10 ये बनेगी आपकी इक्वेशन जैसे हमारी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की इक्वेशन क्या है पेरीमीटर इज 4 into है कि नहीं आप साइड की वैल्यू डालते जाओगे पेरीमीटर आता जाएगा तो आप पेरीमीटर और साइड में ग्राफ बना सकते हो इसी तरह से बेटा ऐसे क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन 100% इट विल कम इन 5 marks आपको इंफॉर्मेशन गिवन है रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है ये भी हो सकता है कि सिंपल इंटरेस्ट और रेट के बीच में ग्राफ बनाओ प्रिंसिपल गिवन दो चीजों के बीच में ग्राफ बनता है एक जो जिसको हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं दूसरे को हम वाई एक्सिस पे लेते हैं समझ आ गई बात ठीक है तो यहाँ पर ग्राफ हमने किसमें बनाना है सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के बीच में हमें रेट गिवन सो वी विल मेक द इक्वेशन इक्वेशन से हम बनाएंगे टेबल टेबल से बनाएंगे ग्राफ अभी तक हमने जो ग्राफ बनाए उसमें हमें सबको टेबल गिवन था अब हमने हमारे पास एक सिचुएशन गिवन है जिससे हमने इक्वेशन बनानी है इक्वेशन से ग्राफ बहुत इजी है ठीक है दोबारा लिखूंगी अब साथ साथ में लिखोगे आप एग्जाम्पल नंबर 7 रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% टाइम इज वी नो सिंपल इंटरेस्ट इज सिंपल इंटरेस्ट Oh, sorry.
शो करनी है आपने। जैसे सिंपल इंटरेस्ट जीरो पे प्रिंसिपल इज, सिंपल इंटरेस्ट वन पे प्रिंसिपल इज, सिंपल इंटरेस्ट टू पे प्रिंसिपल इज, सिंपल इंटरेस्ट थ्री पे। व्हाट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हियर इट इज, बच्चे ये तो लिख देते हैं जीरो पे जीरो, वन पे टेन, टू पे ट्वेंटी, थ्री पे थर्टी, बट गलती क्या होती है, अगर तुमने ये तो सिंपल इंटरेस्ट वन पुट करने पे प्रिंसिपल टेन आ रहा है ना, अगर तुमने इसको उल्टा कर दिया, मतलब सिंपल इंटरेस्ट टेन पे प्रिंसिपल कितना है, सिंपल इंटरेस्ट टेन पे प्रिंसिपल कितना है, हंड्रेड। अगर तुमने इसको उल्टा लिख दिया ऐसे, सिंपल इंटरेस्ट टेन पे प्रिंसिपल वन, वो गलत हो जाएगा, सारा क्वेश्चन गलत, जीरो नंबर मिलेंगे, सिर्फ इस इक्वेशन का आधा एक नंबर मिल सकता है। तो केयरफुली लिखना है कि अगर आप सिंपल इंटरेस्ट की ये वैल्यूज पुट कर रहे हो तो प्रिंसिपल ये आ रहा है, इसको उल्टा नहीं कर दे। ये मेरा पॉइंट क्लियर हो गया सबको, ये सबको समझ आ गया ये वैल्यूज कैसे आई? किसी को नहीं समझ आया तो प्लीज आस्क, बिकॉज दिस इज 100% गोइंग टू कम इन योर एग्जाम, आना ही आना है, nobody can stop। वन से कर सकते हो, जरूरी नहीं है जीरो से करना, वन से करो, चाहे टू से करो, चाहे थ्री से करो, चाहे जीरो ले लो, टू ले लो, फोर ले लो, सिक्स ले लो, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, बट जो वैल्यू लोगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल की क्या वैल्यू आएगी वो लिखो। जॉन समझ जी, सर
जैसे मैंने 0 1 2 3 दिया, 0 पे 0 पुट किया तो क्या वैल्यू आई, 1 पुट किया तो क्या आई, 2 पुट किया तो क्या आई, 3, ऐसे आप कोई भी वैल्यूज पुट कर सकते हो, बट करनी क्यों है, सीधा करो 0 1 2 3। कई बार क्या होता है डिनोमिनेटर में एक नंबर आ जाता है जो सीधा 5 से कटता है, फिर हम 5 वाली वैल्यू लेते हैं, बाद की बात है, जो है अभी उतनी बात है। ये सबको समझ आ गया है आपको? हार्दिक नोट करो, इतना नोट करो बेटा, फिर हम ग्राफ बनाएंगे। एनी डाउट टू एनीवन यू कैन आस्क, पुलकित पक्का मान ले ये तेरा होगा 20, कोई क्वेश्चन के बनती जो भी बनती, देन एसआई इज इक्वल टू 50 के को फाइव तक का बात की बात, वो भी कर पाऊंगी एक्स में डिवीजन करेंगे। बना लिया टेबल, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और रिटर्न। आई विल टेक सिंपल इंटरेस्ट ऑन द एक्स एक्सिस एंड प्रिंसिपल ऑन द वाई एक्सिस। Simple interest on the x-axis, principal on the y-axis. अब हमारे simple interest की values क्या हैं? क्या हैं बोलो? 0, 1, 2, 3. Sorry. इधर देखिए please. प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है, इसका कितना गैप है 10 10 का, 0 10 20। ये बात सबको क्लियर है? कोई किंक नहीं आएगा, सब में 10 10 का डिफरेंस है, यहाँ भी 10 का, सब में 1 1 का डिफरेंस है, यहाँ भी 1 का, कोई किंक नहीं आएगा। लेने चार वैल्यूज बहुत है, कहीं 0 से शुरू करते हैं, 1 से शुरू करते हैं। इधर देखो सिंपल इंटरेस्ट 0 पे प्रिंसिपल 0, तो ये पॉइंट है फर्स्ट, आपने 0 से नहीं शुरू करना, 1 को तो फोर से पहले लेनी पड़ेगी। इधर देखिए प्लीज सिंपल इंटरेस्ट 1 पे प्रिंसिपल, 2 पे, 3 पे ज्वाइन करो, यू विल गेट अ सिंगल लाइन, स्ट्रेट लाइन। On x-axis, 10 small division is equal to rupee 1, and on y-axis, 10 small division is equal to rupee 10. कौन से नंबर से थे? कौन सा है? मर्जी है। लेकिन जब मान लेते हैं ले लिया 0 2 4 0 2 3 4, लेकिन ग्राफ में कंसेक्टिव होने को तो थोड़ा लेट हो गया, तो कंसेक्टिव के रूप में इजी रहता है, बंदी ट्रांसफर करना है।
क्या होता है मुझे लगता है इसको करना पड़ेगा, मुझे इसको दोबारा बनाना पड़ेगा। देखो ये अगर पार्ट्स नहीं आते, मैंने पार्ट्स देखे नहीं, पढ़े 7 मिनट्स। देखिए बेटा अब ए पार्ट क्या है, द एनुअल इंटरेस्ट ऑब्टेनेबल फॉर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹250। लिसन टू मी केयरफुली, सुनो बेटा, बिल्कुल इसको तमीज ही नहीं है इस लड़के को। बेटा मत बोलो ना, मैंने बोल रही हूँ समझ लो, पूरी क्लास शांति है तो बोलेगा तो तुम बता, मैं तुझे पॉइंट आउट करूंगी कि नहीं। हमने पार्ट्स नहीं देखे, हमने ग्राफ बना डाला, ठीक है। पार्ट में क्या है, व्हाट इज द एनुअल इंटरेस्ट, मतलब सिंपल इंटरेस्ट क्या है जब प्रिंसिपल कितना है 250। सेकेंड पार्ट में क्या है, कहते The investment one has to make to get an annual simple interest of ₹70। मतलब principal, मैंने आपको कहा ही नहीं बेटा, ये कभी एंड में मेंटल बोल करते हैं। ए पार्ट दोबारा देखो बेटा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। The annual interest obtainable for an investment of ₹250, investment मतलब जो हमने मनी बैंक में इन्वेस्ट की उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट मतलब प्रिंसिपल। कहते अगर प्रिंसिपल 250 है, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट, हम 250 फिल करके सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, लेकिन आपको उसका नंबर नहीं मिलेगा क्योंकि दैट यू हैव टू रिप्रेजेंट ऑन द ग्राफ। एंड इफ यू आर टेकिंग मींस इफ प्रिंसिपल 250, अब प्रिंसिपल 250 तो नहीं है, बहुत दूर तक जाना पड़ेगा प्रिंसिपल 250 के लिए, तो मैं बहुत दूर जाना पड़ेगा, उतना तो डब्बे ही होते बॉक्स में अगर आप 10 टाइम का डिफरेंस ले रहे हो, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या है, कहते फाइंड फ्रॉम योर ग्राफ द इन्वेस्टमेंट वन हैज टू मेक, इन्वेस्टमेंट मतलब कितना प्रिंसिपल देना पड़ेगा टू गेट एन सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 70। मींस इन सेकंड पार्ट, करणवीर आप क्या लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, सिंपल इंटरेस्ट अगर आपको 70 है तो प्रिंसिपल कितना होगा, 700। ये ग्राफ पे तो हम इस ग्राफ पे तो शो नहीं कर सकते, तो हमने अपनी ये जो वैल्यूज ली है ये गलत ली, मतलब गलत इन द सेंस इस वैल्यू से हमारे आपको नंबर तो मिलेंगे ग्राफ के, लेकिन इन दो पार्ट्स के नंबर नहीं मिल पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करें, 70 आ रहा है ना सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट 70 है, 250 20 हम 10 का डिफरेंस लेंगे, हम क्या लेंगे 10 का डिफरेंस, मींस सिंपल इंटरेस्ट 0 पे प्रिंसिपल 0, 10 पे 10 into 10 20,
20 में 200, 30 में 300, कुछ नहीं करना, सारा ग्राफ सेव करोगे, यहाँ ले लो 10, 20, 30, 40, वैल्यूज बढ़ा दो, यहाँ 100, 200, 300, 400 है, बाद में आ गई, करो, 0, 0, फिर भी 7 में ट्रिप वाला नहीं आएगा, फिर भी 7 में वाला ड्रॉ कर लेंगे, कि साल के तक तो कर ही सकते हैं, बढ़ाओ बढ़ाओ और 700 तक बनाओ इसको, एक मिनट ये स्केल चेंज करो, एक्स एक्सिस पे लिखो 10, वाई एक्सिस पे 100, मैं ये रब करने लगी हूँ, हार देख ये चेंज कर लो प्लीज, एक्स एक्सिस पे 10, वाई 0 0 बढ़ाना ना, समझ आ गई बात, सारे बच्चे इसको 700 तक लेके जाओ, टेबल सबने बना लिया, टेबल में करेक्शन करो, टेबल में करेक्शन कर लो प्लीज, प्लीज बेटा ध्यान से करेक्शन कर लो, अभी बनेगी वही स्ट्रेट लाइन, अब हमारे पार्ट सम करते हैं, टेबल में 700 तक लिखना पड़ेगा, नहीं नहीं टेबल पे 700 तक नहीं, अब हमारा फर्स्ट पार्ट है प्रिंसिपल 250 तो सिंपल इंटरेस्ट अपने निकालना है, आप इसको सॉल्व करो फिर ग्राफ पे प्लॉट करो, देखो 250 इज इक्वल टू 10 इनटू एसआई, 250 प्रिंसिपल की जगह पे 250 फिल कर दिया, प्रिंसिपल की जगह पे 250 फिल कर दिया, 10 इनटू ये क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, एक सेकंड पार्ट भी कर देंगे फिर इकट्ठा ग्राफ भी प्लॉट कर, सेकंड में क्या है सिंपल इंटरेस्ट अगर 70 है तो प्रिंसिपल क्या होगा, वैल्यूज आ गई आपकी, नाउ लेट अस पुट ऑन द ग्राफ, देन सिंपल इंटरेस्ट इज 725, वेयर इज 25, ये रहा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है, प्रिंसिपल कितना आ रहा है 250, आप देखोगे इस 25 के सीधे में लाइन लगाओगे तो 250 पे ऐसे ऐसे बनाना, जहां ये लाइन को टच करेगा उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन 250 पे ही आएगी, करो प्लॉट, ये ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो जाके ये नंबर मिलेंगे नहीं तो नहीं, बनाओ मैंने कर दिया तो ठीक है, क्या बेटे तू कर ही नहीं, मेरा दिमाग पतन का है, ऑन एक्स एक्सिस 10 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 10 डिवीजन, 25 ये इसका 25 है, समझ आ रहा है, 25 के सीधे गई और Thank you.
यहाँ पर पॉइंट नोट करो बेटा प्लीज 70 में 700 नोट करो पॉइंट आएगा ज्वाइन करो और ऐसे So this is